अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ इंग्लिश फॉर फर्स्ट ईयर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटेंस। फर्स्ट वी विल डिफाइन सेंटेंस एंड देन वी विल डिस्कस इट्स टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, वी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। वी मे हैव मैनी डेफिनेशंस ऑफ अ सेंटेंस इन अवर माइंड, बट द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल दिस डेफिनेशन इज हियर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। फर्स्ट, अ सेंटेंस मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। It may have more than one words to form a group. And the next is, it must give a complete sense. The sense must be complete according to the meaning. Here's an example for you. He sat on a wall. So we can assess this sentence according to our definition. डेफिनेशन में लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसका एक कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ही सेट ऑन अ वॉल। इसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ मौजूद हैं। और दूसरा ये कि ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इसका मानी और मफहूम मुकम्मल है और इसमें हमें कुछ कमी बज़ाहिर मालूम नहीं हो रही है। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे लिखा होता ही ऑन अ वॉल, तो हमें लग रहा होता कि मफहूम मुकम्मल नहीं है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी दो कंडीशंस हैं। नंबर एक कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और नंबर दो इसका मफहूम भी मुकम्मल होना चाहिए। It must convey a complete sentence, a complete sense. Sorry. अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस सेंटेंस को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करें तो वो दो हिस्से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ज़रा तफसील से डिस्कस करते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। और उसमें हम करते क्या हैं? वी नेम सम पर्सन और थिंग। तो हम किसी चीज़ या शख्स का नाम उसमें लिखते हैं, एंड देन वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। और फिर हम उस पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे सेंटेंस दिया गया है, ही सेट ऑन अ वॉल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला काम हमने किया है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम यहाँ पे हमने लिखा है, प्रोनाउन यूज़ किया है ही। इसके बारे में हम कोई बात बताना चाह रहे हैं आपको, तो ये ही सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये आई हमारे पास कि कोई भी वो चीज़ या वो शख्स जिसके बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर जो दूसरा काम करते हैं, वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। हम उस पर्सन और थिंग के बारे में कुछ बताते हैं आपको। तो जो पर्सन हमने यहाँ पे लिखा ही, उसके बारे में हमने आपको बताया सेट ऑन अ वॉल। तो ये जो पर्सन के बारे में आपको बताया गया है, जो कुछ बताया गया है, ये प्रेडिकेट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस के दो बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को आमतौर पर हम डिफाइन करते चले आए हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ये कोई लाजमी नहीं है, सब्जेक्ट काम करने वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो बुनियादी डेफिनेशन उसकी है वो यही है
कि वो चीज़ या शख्स जिसके बारे में हम आपको कुछ बता रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और उस चीज़ या शख्स के बारे में जो कुछ आपको बताया जाएगा वो उसका प्रेडिकेट होगा। एक और एग्जांपल देखिए, असलम बॉट अ बुक। तो इस सेंटेंस में हम आपको असलम के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो असलम सब्जेक्ट होगा। जबकि असलम के बारे में हमने आपको बताया बॉट अ बुक कि उसने क्या काम किया, उसने एक किताब खरीदी, तो ये बॉट अ बुक जो है ये प्रेडिकेट होगा। अब हम एग्जांपल्स के तौर पे कुछ और सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं और उसके प्रेडिकेट में देखने की कोशिश करते हैं कि प्रेडिकेट के अंदर क्या कुछ पाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं जिनको उनके दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। ही शॉट अ बिग पैंथर, तो जो दो बुनियादी हिस्से हैं, सबसे पहले ही के बारे में बता रहे हैं आपको, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, कोई इत्तला देना चाह रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब ही के बारे में क्या बताया गया आपको, शॉट अ बिग पैंथर, ही ने क्या किया, एक बड़े से पैंथर को मारा गोली से। तो प्रेडिकेट के अंदर जो वर्ड्स मौजूद हैं, शॉट अ बिग पैंथर। अब अगर हम सिर्फ प्रेडिकेट वाले हिस्से को एनालाइज करें तो इसके अंदर एक तो वर्ब मौजूद है, ही ने जो काम किया और वो क्या था, शूट, मारना, सेकंड फॉर्म शॉट। और ये काम किस चीज़ पर हुआ, किसको मारा गया, अ बिग पैंथर, एक बड़े से पैंथर को उसने गोली मारी। तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी मौजूद है, वर्ब आपको बताएगा कि काम कौन सा हो रहा है, और प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट आपको बताता है कि ये वो चीज़ है जिस पे काम हुआ है, वो काम या एक्शन जो वर्ब के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, जो वर्ब के अंदर बताया गया है वो इस ऑब्जेक्ट पर हुआ, इस चीज़ पर हुआ है। तो जिस चीज़ पर वर्ब वाला काम परफॉर्म किया जाएगा, वर्ब में जो एक्शन होगा, वो एक्शन जो चीज़ रिसीव करेगी वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो गोल शॉट, उसने गोली चलाई, अब ये गोली किस चीज़ पर चलाई गई, अब बिग पैंथर पे, तो बिग पैंथर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। स्टूडेंट्स ये भी याद रहे कि प्रेडिकेट जो है इसकी कम अज़ कम मिनिमम लिमिट एक वर्ड की है, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है इसकी कोई हद नहीं है, कम अज़ कम प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ड मौजूद होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रहे अगर वो वर्ड, एक वर्ड ही मौजूद है प्रेडिकेट के अंदर, तो दैट सिंगल वर्ड मस्ट बी अ वर्ब। अगर प्रेडिकेट में एक ही वर्ड मौजूद है तो वो वर्ड क्या होगा, वर्ब होगा, चूँकि वर्ब के बगैर प्रेडिकेट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ जो एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखी हैं उन सब में प्रेडिकेट के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी। लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन सकता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट लाजमी हिस्सा नहीं है, प्रेडिकेट में कम अज़ कम जो लाजमी चीज़ है वो है वर्ब का होना। नेक्स्ट सेंटेंस है द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। तो अगर आप गौर करें, हम इस फिक्रे में आपको बर्ड्स के बारे में इत्तला देना चाह रहे हैं, बर्ड्स के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, तो इस सेंटेंस में बर्ड्स क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। अब प्रेडिकेट में है तो प्रेडिकेट में दो वर्ड मौजूद हैं, बिल्ड और नेस्ट्स। तो प्रेडिकेट आम तौर पर वर्ब से स्टार्ट होता है या बाज़ुकात एडवर्ब से स्टार्ट हो जाता होता है, तो प्रेडिकेट आम तौर पर शुरू होता है वर्ब से, सब्जेक्ट के आगे जो जो भी आपका फिक्रा मौजूद होता है वो प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट के शुरू में आम तौर पर वर्ब लगा हुआ होता है।
तो प्रेडिकेट में जो वर्ब मौजूद है वो है बिल्ड, बनाना, तामीर करना। तो एक्शन परफॉर्म करने वाला है सब्जेक्ट द बर्ड्स, एक्शन प्रेडिकेट के अंदर मौजूद है, कौन सा एक्शन कर रहे हैं बर्ड्स, बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। और आगे नेस्ट लिखा है, तो नेस्ट का फंक्शन क्या है? नेक्स्ट बेसिकली बताया जा रहा है कि बिल्ड क्या चीज़ हो रही है, बनाई क्या चीज़ जा रही है, जो एक्शन बिल्ड के अंदर है ये किस पर परफॉर्म किया जा रहा है। तो बिल्ड बनाना, बनाते हैं परिंदे, क्या बनाते हैं? नेस्ट। तो नेस्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक बार फिर प्रेडिकेट में वर्ब भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी, आई नो हिम। तो मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ आपको, मैं सब्जेक्ट हो गया आई, और आई क्या कह रहा है, आई के बारे में क्या बताया जा रहा है? नो हिम, कि मैं उसको जानता हूँ, सॉरी एच स्मॉल होना चाहिए था, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। तो यहाँ एक बार फिर वो मौजूद है, नो जानना, और जिसको जाना जा रहा है, जिस पे ये काम हो रहा है वो हिम है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम हो गया। तो स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं बुनियादी तौर पर, नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जा रहा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब मौजूद होता है कम से कम, और बहुत कुछ हो सकता है। आज हमने जो एग्जांपल्स ली हैं वो वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने कहा ये लाजमी हिस्सा नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ही केम, वो आया, ही केम। तो इसमें अगर आप देखें सब्जेक्ट में भी एक वर्ड मौजूद है और प्रेडिकेट में भी एक वर्ड मौजूद है, सब्जेक्ट ही है और प्रेडिकेट में सिर्फ एक वर्ड मौजूद है, और वो एक वर्ड लाजमी तौर पर फिर वर्ब है, और ये सेंस कंप्लीट है, मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट है, यहाँ पे कतन हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेंटेंस को डिफाइन किया और उसके दो मेजर पार्ट्स जो होते हैं उनको डिस्कस किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे प्रेडिकेट में और क्या कुछ हो सकता है, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये किस किस तरह के हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।